बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार में मिले कोरोना के 1498 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 152,192। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1498 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 152,192 हो गई है। दरभंगा हवाई अड्डे से उड़ान भरने का सपना जल्द हो सकेगा पूरा, आम लोगों के AAI ने दिए संकेत। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से आम लोगों के उड़ान भरने का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए इसके संकेत दिए हैं। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्वीट करते हुए लिखा है कि दरभंगा हवाई अड्डे से जल्द ही नागरिक उड़ान अभियान शुरू होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा से अन्य हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए बिहार सरकार से हाथ मिलाया है। बिहार सरकार का रोजगार पर फोकस, 3,645 पदों पर नियुक्ति को मिली मंजूरी। सरकार ने मंगलवार को 3,645 पदों पर नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2,669 और विधि विभाग में अलग अलग श्रेणी के 976 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया। सीएम नीतीश पर तेजस्वी का हमला, बेरोजगारी को लेकर लाइट ऑफ कर जलाएंगे लालटेन आज रात। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। बेरोजगारी व सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे बुधवार की रात 9:09 तक घरों की लाइट ऑफ कर एक दिया लालटेन या मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट करें। तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के माध्यम से यह अपील की है। बिहार का दूध पहुंच रहा झारखंड किसान रेल से, बिहार के किसानों का उत्पाद यूपी और असम तक पहुंचेगा। लॉकडाउन में भारतीय रेल किसानों के लिए मददगार बनकर सामने आई है। किसान रेल के जरिए किसानों की उपज को बेहतर बाजार मिल रहा है। शुरुआती दौर में इस ट्रेन के जरिए कृषि उत्पाद को एक से दूसरी जगह भेजा गया। अब बिहार के पशुपालकों का उत्पादित दूध विशेष रेल से झारखंड भेजा जा रहा है। आगे एक ऐसी ही ट्रेन असम के लिए भी तैयार की जाएगी। बिहार में उद्योग लगने के लिए बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती मिलेगी। बिहार में उद्योग लगाने के लिए बियाडा की जमीन अब 50% तक सस्ती होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफी नीति को मंजूरी मिली। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS की 50 सीटों की स्थायी मान्यता मिली। MCI ने बिहार के भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की 100 में से बची 50 अस्थायी सीटों की स्थायी मान्यता दे दी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा ने बताया कि साल 2012 तक कॉलेज में 50 अस्थायी सीट पर ही MBBS की पढ़ाई होती थी। कहीं LJP का सुर ना बिगाड़ दे 143 सीटों का राग, सियासी गणित में फिट नहीं बैठ रहे मंसूबे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा देने वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP अपनी रणनीति का खुलासा भले ना कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह है कि उनके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुँह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को ना तो NDA कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही महागठबंधन। LJP की कमान संभाले युवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए है। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री भोला राय ने RJD से दिया इस्तीफा। वैशाली जिले के कदावर नेता एवं पूर्व मंत्री उदय नारायण राय उर्फ भोला राय ने बुधवार को राजद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात तो ये है कि भोला राय के साथ ही राजद छोड़ने वालों में पूर्व जिलाध्यक्ष पंछी लाल राय सहित उनकी कमेटी के दर्जनों पदाधिकारी और अनेक प्रमुख मुखिया भी शामिल हैं।
खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2.5 और ऑप्शन डी 7.5। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पर्व से पहले हर घर चलेगा सर्वे अभियान। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ से पहले कोरोना मरीज की तलाश में सर्वे अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि राज्य मुख्यालय के निर्देश पर हर घर में कोरोना मरीजों को खोजने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करेंगी। सभी पीएचसी प्रभारी ने प्रतिदिन कितने घरों में मरीजों को खोजा है, कितने सैंपल लिए, इन सब की निगरानी करेंगे। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय तक जाएगी। तिरहुत में सभी दलों को सीट समीकरण की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। बात स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बापू की चंपारण यात्रा की हो या चुनावों में सूबे की सियासी नब्ज टटोलने की, चर्चा तिरहुत की धरती से शुरू होती है। मुजफ्फरपुर की लीची हो या शहद, चंपारण का चावल हो या वैशाली का केला, विदेशों तक पहचान है। विश्व को गणतंत्र का ज्ञान देने वाले बुद्ध व महावीर की धरती वैशाली हो या माँ जानकी की सीतामढ़ी, सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान देती है। इन विशिष्टताओं के बावजूद क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका, पर्यटन क्षेत्र व रोजगार को बढ़ावा नहीं मिला।